नमस्कार। सबसे बड़ी खबर लाइव 24 न्यूज़ के संवाददाता मिन्हाज आलम ने सबसे बड़ी जानकारी दी। बताया जा रहा बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय के निकटतम लौचा पंचायत के वार्ड नंबर 7, जहां पर आज भी लोग पुलों के बिना अधूरा जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्रामीण लोगों से बात की तो उन्होंने जमकर सरकार के प्रति आलोचना की। लोगों का मानना है कि ऐसे में सरकार की व्यवस्था बहुत ही खराब है, सरकार अपनी व्यवस्था पर गुणवत्तापूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है। इसी के साथ हमारे संवाददाता ने लोगों से जब बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि सर पुल 2019 के भीषण बाढ़ में तबाह हो जाने के कारण अब तक नहीं बन पाया, इसी में लोगों ने जमकर सरकार के प्रति की आलोचना। लोगों का मानना है कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं को नहीं बदलेगी तो जमकर विरोध करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक जमकर लोगों ने लथारा सरकार के विरोध, जमकर लोगों ने नारेबाजी भी की। कहीं हमारे संवाददाता से कई चीजें लोग ग्रामीण लोगों ने बात की कि अगर सरकार अपनी व्यवस्थाओं को नहीं बदली तो सरकार को आगे चलकर भारी नुकसान का